हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं पोको C3 की चार्जिंग सप्लाई के बारे में कि इसकी चार्जिंग सप्लाई कहां से कहां तक है। तो सबसे पहले चलते हैं इसके कनेक्टर पर। जो इसका कनेक्टर है, ये देखिए इसका कनेक्टर है, और ये वाली सप्लाई हमारी बीबस की सप्लाई है। यहाँ पर आपको 5 वोल्टेज देखने को मिलेगा, यहाँ से होती हुई सप्लाई हमारी। देखिए यहाँ पे बीबस की सप्लाई है हमारी। यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, उसके बाद ये हमारी OVPIC है। उसके बाद यहाँ पे देखिए रजिस्टर दिए हुए हैं ये, फिर ये कैपेसिटर, और बाद में ये हमारा इस IC में जाती है, हमारी चार्जिंग IC है। और ये सप्लाई हमारी, ये BPH पावर की सप्लाई है। यहाँ पे ये डायोड दिया हुआ है, कैपेसिटर और ये कॉइल दी हुई है यहाँ पे, और फिर ये कैपेसिटर फिर वापस इसी IC में जाती है इसकी सप्लाई। और इस IC से जो आउटपुट होता है हमारा 4.2 वोल्टेज BVAT की सप्लाई, वो यहाँ से होती हुई है। देखिए हमारी BVAT की सप्लाई है, यहाँ पे कैपेसिटर दिया हुआ है इसकी सप्लाई में। यहाँ से चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पे हमारी BVAT की सप्लाई है, यहाँ पे देखिए डायोड दिया हुआ है इसकी सप्लाई में, यहाँ पे ये पॉइंट है, फिर यहाँ कैपेसिटर दिया हुआ है, और फिर ये सीधा हमारा बैटरी कनेक्टर के प्लस पॉइंट पर आती है इसकी सप्लाई। अब देखते हैं इसकी अगली सप्लाई। ये देखिए ये हमारी बैटन की सप्लाई है, यहाँ से होती हुई। ये देखिए यहाँ पे रजिस्टर लगे हुए हैं, यहाँ से जंपर कर सकते हैं इसका, और यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है इसका। यहाँ से चलते हैं आगे। और फिर ये सीधा हमारा पावर IC में जाती है इस वाली में। ये देखिए ये हमारी बैट ऑन की सप्लाई है। अब देखते हैं इसकी अगली सप्लाई, जो बैटरी कनेक्टर की ID सप्लाई है। ये हमारी बैटरी कनेक्टर की ID सप्लाई है, यहाँ से होते हुए। देखिए यहाँ पर रजिस्टर लगे हुए हैं, यहाँ से जंपर कर सकते हैं इसका डायरेक्ट, और यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है इसका। और फिर ये सीधा हमारा CPU में जाती है इसकी सप्लाई। ये देखिए यहाँ पे। अब देखते हैं DMDP की सप्लाई। ये देखिए ये हमारी DMDP की सप्लाई है, 4 नंबर और ये 5 नंबर पिन ऊपर से। यहाँ से चलते हैं आगे। यहाँ पे ये दोनों के पॉइंट दिए हुए हैं इसके। ये देखिए ये हमारी DP की सप्लाई में ये पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ से जंपर कर सकते हैं, और इसका DM का यहाँ पे, और फिर ये सीधा हमारा CPU में जाती है दोनों सप्लाई। ये देखिए यहाँ पे। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ।